सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के इस छोटे से प्यारे से वीडियो में हम बात करेंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के बारे में हम बात करने वाले हैं और इन चीज़ों को हम एनिमेशन के माध्यम से समझने वाले हैं। अब सपोज करो यहाँ पर हमारी अर्थ है, पृथ्वी है और ये इसका एटमोसफियर है, वायुमंडल है। हम जानते हैं कि ऊपर की तरफ गैसों का घनत्व कम होता है जबकि पृथ्वी के आसपास गैसों का घनत्व ज़्यादा होता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मान बढ़ता जाता है। अब देखते हैं और यहाँ पे ये एक आदमी खड़ा है तो यहाँ तक प्रकाश की किरणें कैसे पहुँचेगी। ये यहाँ पे एक स्टार है ये और ये इसकी रियल पोजिशन है, वास्तविक स्थिति यहाँ पर है और ये टिमटिमा रहा है लगातार। अब देखते हैं जैसे ही प्रकाश किरणें इससे निकलेगी ये एटमॉस्फेयर में प्रवेश करेगी। जैसे ही प्रकाश की यह किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है हम जानते हैं कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान लगातार बढ़ता हुआ जाता है, यानी यह किरण निरंतर अपवर्तित होती हुई हमारे पास में आएगी। अब क्या होगा, अब ये तारा हमें इस सीधी लाइन में दिखाई देगा और ये क्या है, ये इसकी वर्चुअल पोजीशन होगी, ये इसकी आभासी स्थिति हुई। अब हम ये भी जानते हैं कि वायुमंडल के अंदर गैसों का घनत्व लगातार परिवर्तित होता रहता है तो इस तारे की सापेक्ष स्थिति भी लगातार बदलती रहेगी, इसलिए तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल स्टार साइंस आप देखते रहिए। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारे हमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, उनकी आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देती है। धन्यवाद।